हेलो दोस्तों, आज हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले निफ्टी 50 की एंड आज का डेट है 2 मार्च 2022। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे स्टॉक मार्केट इस वक्त गिरने लग रहा है। मेजर रीज़न रशियन यूक्रेन का वॉर है एंड उस समय मैंने बताया था कि कैसे मार्केट एक अच्छा लेवल पर पहुँचा है 16,200। तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया था 16,200 एंड अपसाइड में 16,800 एक रेजिस्टेंस है। तो मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि मार्केट इस लेवल के बीच में प्ले करेगा थोड़े टाइम के लिए एंड इस वक्त वही होने लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया था एंड मार्केट 16,800 पे हाई बनाया था एंड आज का मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ है एंड आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लैट रहा है, ज़्यादा अप भी नहीं गया, ज़्यादा डाउन भी नहीं गया। एंड कंपेयर करेंगे अगर मार्केट जहाँ पर आज ओपन हुआ था उससे थोड़ा सा ग्रीन में ही मार्केट आज क्लोज हुआ है। तो इस वक्त मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट काफ़ी फ्लैट सा रह रहा है, मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है क्योंकि ऑल्दो करेंट प्राइस बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है, बट बिकॉज सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस वजह से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होने का मेजर कारण ऑब्वियसली यूक्रेन एंड रशिया का वॉर एंड इसके साइड वाले चीज लाइक इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वॉर की वजह से, ठीक है, वो एड ऑन प्रॉब्लम से उसके वजह से भी इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी सफ़र करने लग रहा है। तो यहाँ पे दूसरा एक मेजर रीज़न है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे क्रूड ऑयल का प्राइस पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में ऊपर गया है, अराउंड $95 से $111 पे इस वक्त ये ट्रेड होने लग रहा है। तो आप देख सकते हैं अराउंड $16 पर बैरल का प्राइस बढ़ गया है सिर्फ दो ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर। तो ये क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना एक मेजर रीज़न है स्टॉक मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा इस वक्त। तो बिकॉज होता है क्या है कि गवर्नमेंट का एक बजट होता है हर एक चीज़ का, कि गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेट किया रहता है कि क्रूड ऑयल के अंदर में हमें इतना परचेज करना है, तो इतना इन्वेस्टमेंट क्रूड ऑयल के अंदर जाएगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाएगा, इतना कुछ रूरल स्कीम के अंदर जाएगा, रूरल डेवलपमेंट स्कीम के अंदर जाएगा, इतना हम सब्सिडी देंगे, तो इस या तो इतना इतना अमाउंट का लोन जाएगा इस हाउसिंग सेक्टर में या तो किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट का प्लान रहता है। तो उससे क्या होता है कि जब प्राइस जब बढ़ जाता है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है जो कि एक नेसेसिटी आइटम है, नेसेसिटी गुड है, वो परचेस करना ही पड़ेगा जितने भी प्राइस हो, भले वो $110 हो चाहे $150 हो चाहे $200 हो, गवर्नमेंट का ये तो परचेस करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो इकोनॉमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो अब क्या होगा, जो गवर्नमेंट का जो प्लान इन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो उसको कट करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट को, दूसरे सेक्टर में कट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट दूसरे सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को कट करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोग के हाथ में इनकम कम आएगा। जब लोग के हाथ में इनकम कम आएगा तो ऑब्वियसली डिमांड इकोनॉमी के एकदम कम क्रिएट होगा, जब डिमांड कम क्रिएट होगा तो कंपनीज इनडायरेक्टली ऑब्वियसली सफ़र करने वाली है। तो यहाँ पे एक वो लॉजिक है एंड दूसरा क्या होता है कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो US का अच्छा फ़ायदा होता है, बिकॉज US एक क्रूड ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली जब उनका जो प्राइस है क्रूड ऑयल का प्राइस जब बढ़ रहा है तो उनका उनके पास ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। उस वजह से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कैसे कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होने लग रहा रुपी के अगेंस्ट, है ना, तो ऑलमोस्ट लाइक 76 चला गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में, दो या तीन चार ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं 74 से 76 चला गया था। तो कैसे US डॉलर स्ट्रॉन्ग होने लग रहा है और ऑन द अदर साइड आप GBP को देखेंगे तो पिछले तीन चार सेशन में कैसे GBP नीचे की तरफ गिरने लग रहा है US के अगेंस्ट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली डॉलर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा क्या है, जब ऐसा वॉर वाला सिचुएशन होता है कंट्रीज़ के बीच में, उस वक्त लोग का जो इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड के अंदर या तो किसी भी कंट्री का जो इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड के अंदर वो बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे गोल्ड का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ होने लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे कैसे जब वॉर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से कैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है, क्योंकि गोल्ड एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, उसका वैल्यू हमेशा लेकिन उसका इंट्रेंसिक एक वैल्यू है। उस वजह से हर एक लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट करने लगता है। एंड जो मेजर रीज़न है जो क्रूड ऑयल का प्राइस इसलिए बढ़ जाता है कि क्या होता है कि हर एक कंट्री अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व मेंटेन करने की कोशिश करती है क्रूड ऑयल के ऐसे वॉर वाले सिचुएशन में, क्योंकि बिना क्रूड ऑयल तो कोई भी कंट्री वॉर भी नहीं कर सकता। या तो फिर और दूसरा लॉजिक ये होता है कि अगर इस टाइप का जब वॉर चल रहा है बाई चांस और भी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए वॉर के अंदर
तो हो सकता है कि जो सप्लाई है क्रूड ऑयल का वो डिसरप्ट हो सकता है, जिसकी वजह से लाइक डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस और भी बढ़ सकता है क्रूड ऑयल का, या तो ग्लोबल मार्केट में और भी प्राइस बढ़ सकता है क्रूड ऑयल का। उस वजह से सारी कंट्रीज ये ट्राई करती है कि हम अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व मेंटेन करके रख सकें क्रूड ऑयल का उस वक्त। उस वजह से जो सडन जो डिमांड क्रिएट होता है मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल का बिकॉज ऑफ वॉर बिटवीन टू और थ्री कंट्रीज, तो उस वक्त सडन डिमांड की वजह से प्राइस शूटअप होने लगता है क्रूड ऑयल का। तो इस वक्त वही होने लग रहा है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ से क्रूड ऑयल और भी ऊपर जाने लगे। तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी फॉल होता हुआ नज़र आएगा हमें। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 16,200 एक मेजर लेवल है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाई था 18,600 से 16,600, यहाँ पे 2,000 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला है हमें, 11% का ऑलमोस्ट करेक्शन आ चुका है। तो मैं यहाँ पे 15% का करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर फंडामेंटली अगर सिचुएशन ठीक नहीं होता है, एंड क्योंकि दो दिन पुराना ही न्यूज़ है, लाइक 5 किलोमीटर लॉन्ग ऐसा देखा गया है सैटेलाइट इमेज के थ्रू कि जो रशिया से जो आर्मी मूव होने लग रही यूक्रेन की तरफ, वहाँ पर 5 मीटर लॉन्ग लंबा क्यू था जहाँ पर ट्रक टैंक्स और बहुत सारे हथियार ले जाया जा रहा था रशिया से यूक्रेन की तरफ। एंड आज के न्यूज़ है कि रशिया ने और भी एक सिटी को कैप्चर किया यूक्रेन के अंदर। तो यहाँ पर सिचुएशन इस वक्त कुछ बेटर होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है मुझे। तो हो सकता है कि ये जो फॉल वाला सिचुएशन और फ्रस्ट्रेच होता हुआ जाए, एंड हो सकता है कि 15,800 15,600 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो 15,800 एक अच्छा लेवल है एंड अच्छा करेक्शन भी है टेक्निकली। तो इस वक्त आप खाली टेक्निकल को नहीं देख सकते क्योंकि देखिए टेक्निकली तो मार्केट एक अच्छा प्राइस लेवल पे है, एंड 16,000 ऑब्वियसली काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है परचेज करने के लिए। बट यहाँ पे फंडामेंटल्स को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नॉर्मल सिचुएशन में अगर मार्केट ये इस लेवल पे होता तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी से परचेज होता, मार्केट वापस शूटअप हो चुका होता। बट इतने अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस लेवल पे होने में भी इस वक्त मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि फंडामेंटली सिचुएशन सही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे राय पे अराउंड 16,000 या 15,800 16,200 लेवल पे अगर आप परचेज करते हैं किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो एक अच्छा बाय डिसीजन हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन प्रेजेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर एनवायरनमेंट सिचुएशन या इकोनॉमिक कंडीशन पूरे वर्ल्ड की इससे भी नीचे जाने लगती है, एंड हो सकता है कि और भी कंट्रीज वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हो सकता है कि मार्केट और भी गिर जाए, तब ये एनालिसिस वैलिड नहीं है। ये एनालिसिस तभी वैलिड है जब तक प्रेजेंट एनवायरनमेंट जो आज का अभी इस वक्त का जो एनवायरनमेंट है वही बना रहा है, वही कंटिन्यू रहे, तब 16,800 या 16,000 एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है। एंड 16,000 लेवल पे जब अगर है एंड सिचुएशन बेटर हो रहा है तो वो बहुत अच्छा परचेज होगा, क्योंकि वहाँ से हो सकता है कि स्टॉक मार्केट जल्दी से शूटअप करे। एंड एट द सेम टाइम अगर 16,000 लेवल पे है एंड सिचुएशन दिख रहा है कि और भी बुरा से बुरा होते जा रहा है, तो हो सकता है कि 16,000 भी अच्छा परचेज ना हो। तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप कोई स्टॉक को लेते हैं 16,000 या 15,800 एंड आप उसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, तो फिर भी उसको लेना सेफ मान सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि एक साल के अंदर एग्जिट हो जाऊंगा, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है अगर सिचुएशन सुधरा नहीं तो। सिचुएशन सुधर गया तो ऑब्वियसली वो भी बिल्कुल भी रिस्की नहीं होगा। तो यहाँ पे फंडामेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेजर्स लेवल है 15,600 ऑन द डाउन साइड, 16,200 ऑन द अप साइड, 16,800 एंड 17,600। एंड क्रूड ऑयल का देखिए आप कैसे इस वक्त, अभी मैंने आपको दिखाया था $111, यहाँ पे $112 हो गया। तो क्रूड ऑयल का प्राइस तो अभी कंटिन्यूसली बढ़ने लग रहा है, अभी ओपन ट्रेड होने लग रहा है एंड प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी नेगेटिव है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का रिजर्व यहाँ पे चले जाएगा ऑयल को इम्पोर्ट करने की वजह से, जो कि अननेसेसरी लॉस है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पर सपोज अगर आप एग्जाम्पल एक लेते हैं, सपोज़ आप फैमिली रन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके आपको एक बच्चों के लिए एक बजट होता हुआ होगा कि इनकी पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा करना है, या तो फिर आप आउटिंग जाओगे महीने में 2 या 3 बार, वहाँ पे कितना खर्चा हो सकता है, घर की ग्रॉसरी में कितना खर्चा हो सकता है, घर में आप जो हेल्प रखते होगे तो वहाँ पे कितना खर्चा हो सकता है, तो एक बजट बना के चलते हो।
तो यहाँ पर अगर सबको सडनली अगर आपका ग्रॉसरी का प्राइस बहुत ज़्यादा सूटअप होने लगा, महीने में हो सकता है जो आप 10,000 का ग्रॉसरी खरीदते हैं तो हो सकता है वहाँ पर आपका 13,000 या 14,000 रुपया लगने लग जाए हर महीना ग्रॉसरी के अंदर, तो हो सकता है कहीं ना कहीं पर आप अपना कट करोगे ना। जैसे कि हो सकता है कि आप आउटिंग महीना में 3 बार करते हैं, तो हो सकता है 2 बार ही आप आउटिंग करो, तो वहाँ पर आप जब 1 बार कम आउटिंग करो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि किसी ना किसी का तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो सेम कंट्री के अंदर भी होता है, जब गवर्नमेंट क्रूड ऑयल के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लाइक ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं, तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को तो अपना दूसरा जगह पे इन्वेस्टमेंट कट करना पड़ेगा, तो उसके वजह से लोगों का इनकम कम होगा लार्जर इकोनॉमी में, एंड उसके वजह से डिमांड फॉल होगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पर वो एक कंसर्न वाली चीज़ है एट प्रेजेंट सिनेरियो। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी होगी, एंड आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में जरूर मदद करेगी। मैं इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक्स भी मैं कवर करता हूँ। मैं एक नई वीडियो सीरीज के साथ आ रहा हूँ जहाँ पर मैं स्मॉल कैप्स कंपनी को कवर करने वाला हूँ। तो इस सीरीज में मैं ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज को कवर करने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, अच्छी लाइक प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा पोटेंशियल है, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स है या तो फ्यूचरिस्टिक नहीं भी है तो प्रोडक्ट का डिमांड अच्छा है। तो इस टाइप की मैं कंपनीज कवर करने वाला हूँ, क्योंकि इस वक्त अगर वैसी कंपनी मैं आपको बता सकूँ जिसमें कि पोटेंशियल है मल्टीबैगर बनने का, एट द सेम टाइम स्मॉल कैप कंपनी है, अंडर वैल्यूड है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो वो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है करेंट मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्टॉक मार्केट गिर चुका है तो वो सारे स्टॉक्स में भी अच्छा करेक्शन आया है। तो हर हफ्ते मैं एक स्मॉल कैप कंपनी को आपको बताऊंगा, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनीज हैं, तो मैं आपको हर हफ्ते एक कंपनी को जो बताऊंगा आपको डिटेल एनालिसिस आपको दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर, एन्जॉय।